अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप कोई भी डर को कम कर सकते हैं। मुझे एकदम पावरफुल बना, स्ट्रांग बना, इस पर ध्यान होना चाहिए। आपने जैसे बोलना शुरू किया ना, सामने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे डरने लगता है। आप जितना भी नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव इमेजिन आपके मन में होता है, केवल और केवल इसके पीछे डर है। तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या डर है, किस चीज का डर है। वो डर का आप सॉल्यूशन करते हो तो नेगेटिव थिंकिंग अपने आप रुक जाएगा। इसके लिए एग्जांपल दिया था आपको डंडे वाला। कुत्ते तो हमेशा आएंगे, कुत्ते हमेशा भौंकने वाले हैं। कुत्ते यानी समस्याएं, कुत्ते यानी प्रॉब्लम, कुत्ते यानी नेगेटिविटी। ऐसे आपकी लाइफ में भी हर रोज कुछ ना कुछ कुत्ते भौंकेंगे, समस्याओं के कुत्ते। सुबह से जैसे आप उठे भौंकना शुरू करेंगे, ये प्रॉब्लम, भाव भाव भाव, ये प्रॉब्लम। आप कितनी समस्याएं दिमाग के अंदर याद करते हैं सुबह में, ये सारे भौंकते हैं। तो आप अगर समस्याओं के सामने डंडा लेके खड़े हो जाते हैं तो क्या होगा? कुत्ते के सामने डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, कुत्ता क्या करेगा? वो भाग जाएगा। भी उसको डंडा दिख रहा है कि इसके हाथ में डंडा है, यहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए, मारेगा। अभी समस्याएं ऐसी है, प्रॉब्लम ऐसी है, डर ऐसा है। अगर आप डंडा लेके खड़े हैं, आ जा चलो, जितना है जितना भौंकना है आ जा, काटना है आ जा, चल मैं खड़ा हूं अभी, डंडा चल एक देंगे ना। कोई भी डर ऐसा नहीं है कि आपके साथ खड़ा रहेगा, आपका सामना करेगा। कोई भी नेगेटिव थिंकिंग आपके सामने आ ही नहीं सकती, यानी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थिंकिंग आ ही नहीं सकता, यानी कि आपके पास फेस करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, कोई हथियार नहीं है। तो आपको प्रॉब्लम लगेगा ही लगेगा, नेगेटिव थिंकिंग आने ही वाला है, डर घबराहट आने ही वाली है। अब हम इंतजाम क्या करेंगे इसके लिए? हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सपोर्ट होना चाहिए, जिससे आप प्रॉब्लम को फेस करें, जैसे आप डर घबराहट को हरा सके, जिससे आप नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम कर सके। अब आपके पास ऐसा क्या सपोर्ट है, आपके पास ऐसी क्या चीज है? एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके अंदर होनी चाहिए, वो है पावर, शक्ति। अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप कोई भी डर को कम कर सकते हैं, कोई भी डर को आप हरा सकते हैं। लेकिन आप पावरलेस है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ध्यान रखो, जो भी समस्या लेकर मेरे साथ आते हो, मेरे चैम्बर में आते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ गलत कर देगा, मेरी कोई प्रॉब्लम है, मेरे कोई एविडेंस है किसी के सामने, आप अगर स्ट्रांग है, आपके अंदर वो पावर है ना, कोई भी चीज का कोई खतरा है ही नहीं, कोई भी चीज आपके खिलाफ हो ही नहीं सकती। तो आपको कोई समस्या से निपटने के लिए, कोई समस्या को खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको खुद को पावरफुल बनाना है। आपका जिंदगी में एक ही काम होना चाहिए, महत्वपूर्ण काम, कि आपको हर रोज पावरफुल बनाना है। बस आप खुद को पावरफुल बनाने का काम कीजिए, आप हर चीज को ठीक कर लेंगे। आपकी हर प्रॉब्लम, हर नेगेटिव थिंकिंग, हर बीमारी या जितना भी डर घबराहट आपको लग रहा है ना, कुछ ही समय में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, परमानेंटली खत्म होगा। मुझे एकदम पावरफुल बना, स्ट्रांग बना, इस पर ध्यान होना चाहिए। और इसके लिए आपको हर दिन पूरा दिन इसके बारे में सोचना है। जब भी आप फ्री होते हैं, दिमाग के अंदर आंखें बंद करके ये एहसास करें, ये जताइए कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ और मैं और पावरफुल बन रहा हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं और पावरफुल बन रहा हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं और पावरफुल बन रहा हूँ। अपने आप को बस इसी तरह की बात कीजिए, धीरे धीरे आप ऐसे पावरफुल बन जाएंगे और आपकी हर प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म ही होने वाली है। पहले के जमाने की जब आप कहानियां सुनेंगे राजा महाराजाओं की, देवों की, दानों की, तो पहले के जमाने में ये सब होता था कि अगर किसी को किसी के सामने लड़ना है, युद्ध करना है, तो वो शक्तियां अर्जित करते थे। शक्तियां हासिल करना जरूरी होता था। तो शक्तियां कैसे हासिल करते थे? इसके लिए तपस्या करते थे। अब शक्तियां मिल गई तो वो कुछ भी कर सकता है, जिससे लड़ना है वो लड़ सकता है, जिसको हराना है वो हरा सकता है। तो मतलब कि जो पहले के जमाने में था कि अगर आपको कुछ काम करना है, बड़ा काम करना है, आपको कुछ जीतना है, तो आपको क्या हासिल करना है? शक्तियां हासिल करनी पड़ेगी, आपके अंदर पावर भरनी पड़ेगी। और ये चीजें होती है तप करने से, तपश्चर्या से होती है। रेगुलर प्रैक्टिस करते हो आप, ब्रीदिंग करते हो, अफर्मेशन करते हो आप, NLP करते हो आप, जो भी प्रैक्टिस करते हो तपश्चर्या ही है। वो सारी चीजें आपके अंदर वो फीलिंग पैदा करती है, आपके अंदर पावर पैदा करती है, तो वही चीजें काम की है। इतना ध्यान रखना है कि आपको किसी भी हाल में, किसी भी तरह से आपके अंदर हर रोज पावर भरनी है, पावर पैदा करनी है, अपनी पावर को इंक्रीज करना है। आपकी जो भी एनर्जी है उसकी लेवल को आप हमेशा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि आपको किसी से डरने की, किसी से बचने की कोशिश नहीं करनी है। अगर वो ऐसा कर देगा, अगर वो ऐसा कर देगी तो मैं क्या करूंगा। आपको जिससे भी डर लग रहा है, आप इससे जाके बोल दीजिए या मन ही मन बोल दीजिए, अरे आपको जो करना है कर लो,
जितना कुछ उखाड़ना है इतना उखाड़ लो, जितनी ताकत लगानी लगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बैठा हूँ। जितना आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपको इसके सामने इस तरह से पेश आना है। आपके दिमाग में जितना भी डर है, इसके सामने आपको इससे भिड़ना होगा। ऐसे आपको डर का सामना करना होगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी कुछ करना है कर लो। आपको कोई व्यक्ति का डर है, कोई परिस्थिति का डर है, या कोई चीज का, या जानवर का, भूत का, प्रेत का, वाइब का, जिसका भी डर है, उसको बोल दो आज ही, जिसको जो करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोचेंगे या क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, हो गया लफड़ा तो क्या करेंगे, तो बोल देते हैं सर। एक्चुअली दुनिया में होता क्या है, अगर आप डरते हैं तो दुनिया आपको डराती है। सामने वाले व्यक्ति को आप डराते हैं तो वो डरने लगता है। ये बस यही रूल है। हमेशा मैंने देखा है, गली में कुत्ता है, अगर वो भौंकता भौंकता आप भागे तो आपके पीछे भागेगा, आप फट वो पीछे भागेगा। कुत्ते के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेना पहले। और यही चीज हकीकत है, ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। जो व्यक्ति आपको डराता है और आप डरते हैं तो आपको ज्यादा डराएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये डरे रहा है। आप ऐसे बोले कि मैं आपको अभी दिखाता हूं, अला भाई ये कुछ कर लेगा, आपके अंदर कोई चीज है ही नहीं, समझ लो। लेकिन आपने जैसे बोलना शुरू किया ना, सामने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे डरने लगता है, सोचते अच्छा इसके पास कुछ तो होगा, कुछ तो पावर होगी, तभी तो इतना सब पावर बता रहा है, तभी इतना बोल रहा है, कुछ तो इसके पास होना चाहिए। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, उससे लड़ने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बोलना तो शुरू करो कि मैं तुझे देख लूंगा, हाँ देख लूंगा, तो धीरे धीरे वो भी सोचने लगेगा। लेकिन ऐसी हिम्मत ही नहीं होती कि किसी के सामने आप बोल पाए, तो पहले से हिम्मत जुटाओ। हर व्यक्ति के सामने हिम्मत से बोलने की शुरुआत करो, जो भी व्यक्ति आपको डराता है इसके लिए, तो आपके अंदर वो फीलिंग आना चाहिए कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी से नहीं, किसी के बाप से नहीं डरता, जिसको जो करना है कर ले। के मन में हमेशा यही सेंटेंस चलना चाहिए, जिसको जो करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ही बन जाएगा कि रियल में आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी लोग बाहर है ना, उसको ये बातें नहीं बताई जा रही जो आपको बताई जा रही है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसको कोई दिमाग के अंदर कोई पावर नहीं आएगा, कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी, कोई एनर्जी किसी के दिमाग में आएगी नहीं। सब लोग ऐसे डरे हुए जीते हैं, डरे हुए मरने वाले। बाहर के लोगों का यही हाल है, पूरी जिंदगी डर में डर में डर में डर में जिएंगे, डर में ही मर जाएंगे। आप ऐसे नहीं होने चाहिए। बस यही डर को ही इतने जीवन बना दिया है, डर ही लाइफ बन गई है। लेकिन आप उनमें से नहीं होने चाहिए, आप उनमें से बिल्कुल अलग होने चाहिए। आपका दिमाग उन लोगों से बहुत अलग होना चाहिए। आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि हम अब डर से ऊपर उठ चुके हैं, डर के आगे जीत है। बस आपने डर को हरा या तो जीत तो पक्की है। लोगों ने डर को इतना पाल के रखा है कि सब कुछ खत्म होगा, डर खत्म नहीं करेंगे हम। इतना डर से आपने इतना प्यार किया, डर से इतना हमने लगाव रखा है, तो डर को भी अच्छा लगता है। ये घर अच्छा है, ये जगह, ये दिमाग अच्छा है, यहाँ पे रहो। क्योंकि डर को आपने इतना रिस्पेक्ट दिया, डर को इतना प्यार दिया, डर को जाने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन डर ऐसे थोड़ा जाएगा। डर को क्या दिखाना है? डर को डंडा दिखाना है, चला जा। डर को आप डंडा दिखाओ, चला दूसरे दिन चला जाएगा। लेकिन पता नहीं आप वो डंडा कब उठाने वाले हैं, डंडा उठा लेंगे ये भी नहीं पता नहीं। या तो आप डरेंगे या तो आप डराएंगे, दो में से एक तो होने ही वाला है। अगर आपको डरना नहीं है तो आपको चैलेंज लेना पड़ेगा, ठीक है? सामने वालों को चैलेंज दो। आप एक डर की क्या बात, आप 10 मिलकर आ जाओ ना, 10 डर मिलकर आप आ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 प्रॉब्लम हिमालय जितनी बड़ी मेरे सामने है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ऐसे आपकी सोच बनेगी, ऐसे आपका जोश जुनून आपका बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप इस तरह से अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, आपके दिमाग को आप यही मैसेज देते हैं हमेशा, बस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी लाइफ में इतना पावरफुल बन जाएंगे, इतना पावरफुल, इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति आपके लिए कभी कोई गलत चीज कर ही नहीं सकता, करने की बात नहीं है, सोच नहीं सकता। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि आपके बारे में लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आपके साथ गलत करेंगे, करने की तो बात ही नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि आपके साथ कोई गलत करके दिखाए। तो आपके दिमाग में ऐसा इतना जोश होना चाहिए, आपके बारे में इतनी एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, मेरे खिलाफ कोई व्यक्ति कुछ करेगा नहीं, लेकिन सोच भी नहीं सकता। और सेंटर पर आप ये सारी प्रैक्टिस से अपने आप को ऐसा बना सकते हैं।